सर्दियों की बहुत ही खास, बहुत ही हेल्दी और बहुत बहुत टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली एक ऐसी यूनिक रेसिपी जो आपने इससे पहले कभी नहीं बनाई होगी। यहाँ मैं ले रही हूँ लगभग 250 ग्राम गुड़। तो सबसे पहले गैस पर आप चढ़ाइए एक पैन। गुड़ को सबसे पहले हमें मेल्ट करना होगा 2 कप पानी। अब यहाँ पर हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है। और ये लीजिए, एक उबाल आ गया है तो बस इतना भरता कि हमें इस गुड़ को मेल्ट करना है। इसको मैं इसी तरह ठंडा होने दूंगी। यहाँ मैं ले रही हूँ 1.5 कप चावल का आटा, गेहूं का आटा, नारियल का बुरादा, इलायची पाउडर, नमक, बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो भी हमने गुड़ का घोल तैयार किया ना, धीरे धीरे करके हम इसमें डालते जाएंगे, गाढ़ा घोल बनाएंगे। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से मैंने इसको फेंट लिया है। तो अब इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। बैटर को चेक कर लेते हैं एक बार और, बढ़िया से इसको फेंट लेंगे। और अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ऑयल गुड़ पिठा के लिए बढ़िया गर्म होना चाहिए। और ऊंचाई से धीरे धीरे हम ये बैटर डालेंगे। ये देखिए अब ये पिठा अपने आप ही ऊपर आ गया है। थोड़ा थोड़ा ऑयल चम्मच से इसके ऊपर भी हम डालेंगे, जिससे ऊपर भी बढ़िया एकदम इवन टेक्सचर और कलर आ जाए। ये देखिए परफेक्ट। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे झटपट बनने वाले यूनिक स्टाइल के गुड़ और चावल से बनी गुड़ पिठा रेसिपी।